गुड मॉर्निंग इंडिया, लाइक टीवी के फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो व डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर भारत पहुंचेंगे। इस दौरान वह भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच चाइना से लेकर कोविड-19 वैक्सीन समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस के स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक अपडेट सामने आया है। अब इस वैक्सीन का तीसरा चरण भुवनेश्वर में शुरू होगा। कोरोना वायरस के इस वैक्सीन पर भारत बायोटेक और ICMR मिलकर बना रहे हैं। महाराष्ट्र डिप्यूटी CM अजीत पवार कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिन्हें इलाज के लिए मुंबई के कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के तिरंगे वाले बयान पर हंगामा मचा हुआ है। महबूबा के इस बयान पर BJP आक्रामक है। महबूबा के बयान के विरोध में BJP ने सोमवार को श्रीनगर से कुपवार तक तिरंगा यात्रा निकाला। इस दौरान श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। सावधान इंडिया और देवों के देव महादेव की एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को NCB ने 99 ग्राम ड्रग्स खरीदते हुए गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करते हुए NCB ने एक्ट्रेस प्रीतिका चौहान को ड्रग्स खरीदने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह होम आइसोलेशन में जाकर अपने काम को जारी रखेंगे। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की देश विदेश की यात्रा के दौरान उन्हें और भी अधिक सुरक्षा मिलने वाली है। देश के प्रमुखों की यात्रा के लिए तैयार किया गया बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का दूसरा विशेष विमान अमेरिका से भारत पहुंच गया है। इसका पहला विमान 1 अक्टूबर को भारत आया था। इन विमानों को कस्टमाइज करने का काम अमेरिका के डलास में किया गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में सोमवार की सुबह एक लोहा व्यापारी का कार सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। बदमाशों ने व्यापारी के परिवार को फोन कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अलवर जिले में एक शराब के ठेके में शनिवार रात आग लगने से यहां कार्यरत सेल्समैन की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि युवक कमल किशोर ने सैलरी मांगी थी तो ठेकेदार ने पहले उसे ठेके में फ्रीजर में बंद कर दिया, फिर सुनियोजित तरीके से आग लगाकर उसे जिंदा जलाकर मार डाला। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करने के लिए 9 मीडिया कर्मियों पर 15 दिन के लिए बैन लगाया है। ये पत्रकार उस फ्लाइट में सवार थे जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत चंडीगढ़ से मुंबई जा रही थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यहां एक अंधेड़ शख्स ने तंत्र सिद्धि के लिए खुद की गर्दन काट कर भगवान शिव को चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान तांत्रिक गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घटना की जानकारी मंदिर के पुजारी ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंधेड़ को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मंदिर से बलि चढ़ाने में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के चंबल के बिहड़ के गांव सोने का गुर्जा में 3 राज्यों के मोस्ट वांटेड कुख्यात इनामी डकैत केशव गुर्जर गैंग एवं पुलिस के मध्य मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में बाड़ी सदर थाने के कांस्टेबल अवधेश के पेट में गोली लग गई। राजस्थान में चल रहे आवाज कार्यक्रम के तहत सदर थाना इलाके के गांव ढिमरी में शनिवार देर रात तक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 21 नाबालिग लड़कियों को मुक्त करवाया है। इस मामले में सामने आया है कि यहां बच्चियों को देह व्यापार के लिए तैयार किया जाता था। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। पबजी मोबाइल भारत में बैन होने के तुरंत बाद अक्षय कुमार ने फौजी मोबाइल गेम का पोस्टर जारी किया था। अब फौजी का टीजर वीडियो जारी किया गया है, जिसमें भारतीय सैनिक देखे जा सकते हैं। इसमें भारत चीन बॉर्डर टेंशन भी देखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।